हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं मधु किचन में बनाने जा रही हूँ बहुत ही आसान तरीके से नान रेसिपी। ना ये इसमें हम किसी तंदूर का इस्तेमाल करेंगे, ना ही कुकर का और ना ही किसी अवन का। ये नान मैं बहुत ही आसान तरीके से तवे पे बनाना सिखाऊंगी, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल और खाने में बिल्कुल जैसे बाहर की है और बिल्कुल बहुत ही आसान तरीके से तंदूर से भी ज़्यादा टेस्टी नान आज हम घर पर ही तैयार करेंगे। नान बनाने के लिए हमें एक बाउल चाहिए, आप कुछ भी बर्तन ले सकते हैं। उस बाउल में हमें 1 कप मैदा डालेंगे। ये हमने 1 कप मैदा ले लिया है। अब हम इसमें 1 टीस्पून शुगर डालेंगे, 1/4 चम्मच नमक, 1/4 चम्मच से थोड़ी सी ज़्यादा बेकिंग पाउडर, 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा। इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे स्पून की हेल्प से। जैसे कि मैं कर रही हूँ इस टाइम, हमें ऐसे इन सबको मिक्स कर लेना है। अब ये सब चीज़ें हमारी अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब मैं इसमें डालती हूँ ऑयल। ये हम इसमें 2 चम्मच ऑयल डालते हैं, आपने चम्मच का नाप देख लिया होगा। अब फिर हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। सारे ऑयल की गांठे को हम ऐसे स्पून की हेल्प से खोल लेंगे। आप चाहे हाथों से भी किसी भी चीज़ से, आप सारी गांठों को हमें लेकिन खोलना है, जैसे कि मैं कर रही हूँ इस टाइम। हम सारा ये सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ऐसे करके हम सब चीज़ सारी गांठें ऑयल वाली खोल देंगे। अब ये सब हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 कप ये दही है। मैंने दही को फेंट लिया है बिल्कुल बारीक तरीके से। अब मैं इसमें थोड़ा पानी डालकर अच्छे से मिक्स कर लूँगी। जैसे कि आप रेसिपी पे ध्यान देना, अगर आप रेसिपी को ध्यान से नहीं देखने के तो आपकी नान बिल्कुल भी अच्छी नहीं बन पाएगी और ना ही टेस्ट आएगा। तो अब इन दोनों को हम मैदा में अच्छे से थोड़ा थोड़ा डालकर मिक्स कर लेंगे। ये मेरा नाप बिल्कुल सही है। अगर आप 1 कप से ज़्यादा बनाते हो नान, तो आप इसी मिश्रण को आप बढ़ा देना, जब ये आप अच्छे से नान बन पाएगी। जैसे कि आप 2 कप बढ़ा रहे हैं तो आपको 2 चम्मच चीनी डालनी है। इसी तरह थोड़ा थोड़ा सामान बढ़ा देना। यहाँ पर मैंने 1 कप मैदा से ही मैं नान बना रही हूँ, तो मुझे इतना नाप सही था। अब हम इस आटे को सारे को अच्छे से गूंथ लेंगे। ये आटा हमें नान का बहुत ही मुलायम तैयार करना है। सारा अच्छे से आप देखते रहना मैं कितना मुलायम आटा तैयार करती हूँ। अब देखो, आपको देखने से महसूस हो रहा होगा ये आटा कितना मुलायम है। हमें ये आटा सख्त नहीं तैयार करना है। अगर हम सख्त आटा तैयार करेंगे तो हमारी नान अच्छी नहीं बन पाएगी। ये हमें मुलायम आटा ही गूंथ के ऐसे अच्छे से, लेकिन हम इसे गूंथ लेंगे। देखो ऐसे करके हमारा सारा मिक्सर इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएगा। आप गूंथते समय आटे की रेसिपी को ध्यान में रखना। जब तक हमारा आटा अच्छा नहीं बनेगा तो हमारी नान भी अच्छी नहीं बन पाएगी। अब ये हमने इस कंडीशन में आटा गूंथ के छोड़ दिया है। अब मैं इस पर हल्का ऑयल लगाकर इसे फिर से एक बार मुलायम कर लूँगी। देखो इस तरीके से हमें ये सारा मुलायम कर लेना है आटा। अभी फ्रेंड्स ये रेडी नहीं है, अभी आप देखते रहना। ये आटा हमने इस कंडीशन में करके छोड़ देते हैं। अब मैं इसे एक रेपिंग कर देती हूँ इसे,
ऐसे यानी ढक देती हूँ। आप किसी भी चीज़ से ढक देना। हमें इसे ऐसे ढक के करीब एक या सवा घंटे के लिए एक गर्म जगह पर रख कर छोड़ देंगे, क्योंकि हमें इसमें अच्छे से हमारा ये फूल कर तैयार हो जाएगा आटा। अब देखो ये आटा हमारा अच्छे से फूल चुका है। ये मैंने पूरा एक घंटा रखा है एक गर्म जगह पर, लेकिन वो स्थान गर्मी वाला होना चाहिए, वहीं पर ये आटा रखना है। देखो ये खमीर हमारा अच्छे से उठ चुका है, देखो, और मुलायम भी बहुत ज़्यादा हो गया है। इतने मुलायम आटे से हम नान बनाते हैं तो हमारी नान बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। देखो इसमें मतलब अच्छे से ये हमारा आटा फूल कर रेडी है। हमें नान का आटा इसी कंडीशन में बनाना चाहिए। अगर हम सख्त आटा रखेंगे तो हमारी नान अच्छी नहीं बन पाती है। अब हम इसे ऐसे करके छोड़ देते हैं। अब हम गैस पर तवा रखते हैं। इस तवे को हम तेज़ गर्म कर लेंगे। हमें बिल्कुल सूखा तवा रखना है, बिल्कुल भी तवे पे ऑयल वगैरह नहीं होना चाहिए। देखो ये मैंने सूखा मैदा ले लिया है, थोड़ी सी कलौंजी ली है और बारीक चॉप करा हरा धनिया मैंने बारीक बारीक काट लिया है। आप चाहे तो लगा सकते हैं, नहीं तो नहीं। और थोड़ा सा मैंने पानी भी लिया है। अब हम सूखा मैदा अपने नान डो पे डालकर ऐसे एक पेड़ा तोड़ लेते हैं और पेड़े को अच्छे से गोल कर लेंगे। ये पेड़ा हमें कितना ही लेना है। अगर आप बहुत बड़ी नान बनाना चाहते हो तो आप इससे मोटा भी पेड़ा ले सकते हैं, वरना इतने पेड़े की नान बहुत अच्छी बनती है। इससे कम पेड़ा लोगे तो नान बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी और वो बिल्कुल अच्छी फूल भी नहीं पाएगी। हम इसे किसी भी शेप में बढ़ा सकते हैं। देखिए जैसे कि मैं कर रही हूँ, आपको इसी तरह बेलना है। शेप्स आप कैसी भी दे सकते हैं, गोल या लंबी शेप्स। अब मैं इस पर कलौंजी डालती हूँ और थोड़ा सा हरा धनिया। ऐसे करके हरा धनिया से हमारी नान बहुत ही अच्छी लगती है और बहुत ही सुंदर बनकर रेडी होती है। अब इन पे फिर से मैं बेलन की हेल्प से इसे फैला दूंगी। देखो, लेकिन आप नान रेसिपी अच्छे से देखना, जब भी आप नान की विधि समझ पाओगे शुरू से लेके एंड तक, वरना अगर हम आधा अधूरा रेसिपी देखते हैं तो हमारी कुछ भी चीज़ हो खाने की आइटम वो अच्छी बन नहीं पाती। अब हम इस पर पीछे की साइड से पानी लगा देते हैं। पानी हमें अच्छे से लगाना है, ये पानी हमें पीछे की साइड लगाना है नान के। अब हम गरम तवे पे इसे एकदम ऐसे फैलाते हुए डाल देंगे। देखो ये मैंने हाथ से थोड़ा लंबा फैला कर लुक दे दिया है, क्योंकि मैदा को कोई सा भी शेप तो एकदम आ जाती है। ये मैंने गोल बेली थी, लेकिन मैंने इसे हाथ की हेल्प से ही थोड़ा लंबा लुक दे दिया है। अब देखो हमारी नान हल्के हल्के फूलने लगी, तो समझो ये अच्छे से चिपक गई है। अब मैं तवे को उल्टा करके गैस पर, देखो कितनी आसान तरीके से नान रेडी कर दूँगी। देखो मैं नीचे की साइड से भी आपको दिखा रही हूँ हमें नान कितनी अच्छी सीख कर रेडी हो रही है। देखो देखिए बहुत अच्छी है। अब हम इसे हल्का सा और सेक लेते हैं। हम बीच में उठाकर देख सकते हैं ताकि हमारी नान जल ना जाए। अब मैं चिमटे की हेल्प से इसे उतारूंगी। देखो अब हल्का बहुत जो कसर है मैं इसे ऐसे गैस पर सेक लूँगी। देखो हमारी पीछे से भी अच्छे से नान बिल्कुल सीख कर रेडी हो गई है और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। देखो बिल्कुल तंदूर जैसी सीख कर तैयार हुई है। अब मैं इस पर बटर लगा देती हूँ। बटर चाहे घी चाहे आप जो भी कुछ चाहते हैं वो लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है इस पर बटर ही लगाना है, लेकिन बटर लगा के नान का बहुत ज़्यादा टेस्ट आ जाता है। अब ये हमारी नान देखो तंदूर से भी ज़्यादा अच्छी रेडी हुई है।
क्योंकि बाहर की नान हम मंगा कर अधिकतर खाते हैं तो वो स्वाद नहीं आता, घर की नान में बहुत ज़्यादा स्वाद आता है। इतनी टेस्टी नान रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।